दोस्तों कहीं ना कहीं आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हो। मेरा कहने का मतलब है आपका आईटीआई हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, या फिर दोस्तों आपका बीटेक हुआ है, और दोस्तों आप पुणे में जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप पुणे आना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुणे की टॉप 5 कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे दोस्तों आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलता है, अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो। दोस्तों मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार विजिट करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुणे के 2 एमआईडीसी के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर रंजनगांव और दूसरा चाकन एमआईडीसी। राजनगांव से मैं दोस्तों 3 कंपनी लूंगा और 2 कंपनी मैं चाकन से लेने की कोशिश करूंगा। राजनगांव के फर्स्ट नंबर कंपनी आता है दोस्तों डिजिकॉन, जो कि बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। वैसे दोस्तों यहाँ पे हर लोग के लिए वैकेंसी रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनने के कारण मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो अगर मैं कंपनी की प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों आपका जो टाइमर हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका कंट्रोलर पैनल हो गया, इसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे हार्डनेस यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे मेल और फीमेल, अगर दोस्तों आपका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक वाला भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी राजनगांव में है, तो यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट ही यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जॉब पाने के लिए आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे आ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे जॉब देखने को मिलता है, खास करके आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको एज ए कैंटीन की फैसिलिटी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बस की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हो दोस्तों, पुणे स्टेशन से डायरेक्ट आप रंजनगांव किसी भी तरह आ जाओ, रंजनगांव एमआईडीसी, और रंजनगांव एमआईडीसी में एक कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी नंबर कंपनी है आपका जाबिन, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, जो रंजनगांव एमआईडीसी के अंदर ही आता है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको सैलरी की बात करें तो आपको 13 से 15 हज़ार सैलरी देखने को मिलता है। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, हर लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बस और कैंटीन की फैसिलिटी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब देखने को मिलता है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो फोटोनिक्स, जेपी टूल, इसके अलावा दोस्तों आपका जियो फाइबर, ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे फीमेल कंडक्ट जॉब के लिए आते हैं, वैसे यहाँ पे हर लोग के लिए वैकेंसी रहता है, 10, 12 आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी रहता है। लेकिन दोस्तों मैं प्रिफेर करूँगा खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप यहाँ पे आओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों तीसरा नंबर कंपनी आपका यजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दोस्तों राजनगांव एमआईडीसी के अंदर ही आता है, कारेगांव, यहाँ पे ये कंपनी स्थित है यजाकी, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे भी आपका 2-व्हीलर 3-व्हीलर का जो आपका ऑटोमेटिक वायर हार्नेस होता है वो यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होती है, जिसके कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आपका आईटीआई डिप्लोमा वालों, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए 10, 12 वालों के लिए वैकेंसी रहता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। जैसे मैंने बताया आपको हार्नेस साथ साथ उसका कनेक्टर वगैरह का यहाँ पे असेंबली होता है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी चलती रहती है, आप कभी भी डायरेक्ट कंपनी गेट पर जाओ, यहाँ पे भी आपको बस और कैंटीन की फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्ट कंपनी गेट पर आ जाओ, एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे भर्ती चलती रहती है, महीने में 1 या 2 बार वैकेंसी यहाँ पे जरूर निकलती है, तो आप लोग जरूर यहाँ पे ट्राई करो, ये भी रंजनगांव मेडिसिन के अंदर आता है। चौथी नंबर कंपनी है दोस्तों आपका एप्टिव, यहाँ पे भी दोस्तों आपका वायर का हार्डनेस का मैनुफैक्चरिंग होती है, जिसके कारण यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा यहाँ पे काम करती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आसान आसान काम होता है। ज़्यादातर यहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी रहता है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपका जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ऑटोमेटिक हार्डनेस का यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होता है, यहाँ पे वायर का कटिंग और क्रिम्पिंग ज़्यादातर यहाँ पे काम देखने को मिलेगा, उसके अलावा कनेक्टर वगैरह का भी यहाँ पे असेंबल होता है। तो जितने भी कंडक्टर स्टेटर हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से फील्ड से हो और यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, आ सकते हो। वैसे दोस्तों यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो आपको 8 घंटे का 14 से 15 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगा, और अगर 12 घंटे का शिफ्ट रहेगा तो आपको 21 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगा, बोनस वगैरह लगा के कभी कभी आपका 24 हज़ार भी बन जाता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे भर्ती चलती रहता है, वैसे बीटेक वालों के लिए भर्ती रहता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो डायरेक्ट आप कंपनी गेट पे आ जाओ, आपको आराम से, बहुत सारे लोग कंपनी गैप पे जाने से भी डरते हैं, ऐसा करने की कभी भी जरूरत नहीं दोस्तों। सिक्योरिटी गार्ड से पूछो, वो आपको सारा कुछ बता देता है, कल आओ, परसों आओ या फिर इतना बजे आओ, आपको आराम से वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है। तो पांचवी और लास्ट कंपनी है दोस्तों आपका स्पार्क माइंडा, जो दोस्तों ये महालुंगे में है, पुणे के अंदर चाकन एमआईडीसी में एक महालुंगे एमआईडीसी है, एक जगह है, यह भी एक कंपनी है स्पार्क माइंडा। यहाँ पे अगर दोस्तों प्रोडक्ट की बात करें तो आपका भी यहाँ पे हार्नेस बनता है, इसके अलावा आपका जो सेंसर वाला क्यू होता है वो भी यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होता है, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे काम होते हैं दोस्तों, खास करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। वैसे यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट में यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रहता है।
तो आप लोग को यहाँ पे भी जरूर आना चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों आपको जॉब लगती है तो बस और कैंटीन की फैसिलिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा वाले के लिए ज़्यादातर वैकेंसी रहता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वैसे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे भी वैकेंसी कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये भी कंपनी दोस्तों स्पार्क माइंडा है जो कि दोस्तों मालुंगे फाटा के करीब ही है, मालुंगे फाटा से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जितने भी कंपनी बताया दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, जहाँ पे मैक्सिमम कंपनी में आपको बस और कैंटीन की फैसिलिटी देखने को मिलता है और सैलरी भी दोस्तों आपको 14 से 16 हज़ार 8 घंटे का देखने को मिलेगा। किसी किसी कंपनी में 12 घंटे का शिफ्ट रहता है तो आपको 21 हज़ार तक सैलरी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, खास करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आप लोग को जरूर यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आता है फिर भी कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कौन सा पॉइंट खराब लगता है वो भी कमेंट करो। तो भाई दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।